आज हम लहसुनी टिंडे बनाएंगे। इसके लिए हमने यह टिंडे लिए हैं। इन टिंडों को पहले हम धो लेंगे और उसके बाद हम इन्हें पहले छील लेंगे। टिंडों को हमने धो करके छील लिया है और छील करके हमने इसके छोटे पीसेस कर लिए। अब हमने 15 से 20 लहसुन की कलियां ली है, 2 टमाटर लिए हैं, 1 हरी मिर्ची ली है। इस लहसुन का हम पेस्ट बना लेंगे और टमाटर और हरी मिर्ची को हम कद्दूकस कर लेंगे। अब हम एक बाउल लेंगे, बाउल में हम आधा चम्मच नमक लेंगे, आधी चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर लेंगे, 1 चम्मच हम धनिया पाउडर लेंगे, 1/4 चम्मच हम हल्दी पाउडर लेंगे। इन मसालों में हम थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। अब हम कुकर में 1 टेबलस्पून ऑयल का लेंगे। ऑयल हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। लहसुन को हम थोड़ा लाल होने तक पकाएंगे। लहसुन हमारा ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें जो हमने मसाले भिगो करके रखे थे वो डाल देंगे। तो ऑयल छूटने तक हम पकाएंगे। मसाले हमारे अच्छे से पक गए हैं, ऑयल भी छूटने लग गया है, अब हमने जो टमाटर कद्दूकस करके रखे थे वो डाल देंगे और इसे अच्छे से पकाएंगे। टमाटर डालने के साथ ही जो हमने टिंडे काट करके रखे थे वो भी डाल देंगे। अब इन्हें अच्छे से हम भूनेंगे। बहुत ही जल्दी बन करके तैयार होती है हमारी यह सब्जी, बहुत ही टेस्टी बनती है, इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं लगते हैं। जब तक हमारी सब्जी बन करके तैयार हो तब तक मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्जी हमारी अच्छे से भुन गई है और ऑयल भी छूटने लग गया है, अब हम इसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल देंगे। मैंने 1 बाउल डाला है। अब इसको ढक्कन लगाकर सिर्फ 2 विसल आने तक पकाएंगे, उसमें 2 विसल में यह टिंडे गल जाएंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। 2 विसल लग गई है, अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और कुकर को पूरी तरीके से ठंडा होने देते हैं। कुकर हमारा पूरी तरीके से ठंडा हो गया है, अब हम इसे खोल करके चेक कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है हमारी, अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे और थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देंगे। बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, एक बार आप भी ट्राई जरूर कीजिएगा।